रिलेटेड डाइट और कोविड के दौरान किस तरह का खान पान रखना चाहिए, और साथ ही साथ पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन्हें किस तरह का खान पान रखना चाहिए और किन चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। इसी सीरीज में आज भी हम बात करने वाले हैं कोविड से रिलेटेड, लेकिन आज जो बात एपिसोड बात होने वाली है वो है वैक्सीन पे। आज हम वैक्सीन से रिलेटेड बातें इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इससे कुछ कॉमन सवाल आज के दिन में हर घर में पूछे जा रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या आपने वैक्सीन लिया है या क्या आपको वैक्सीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो आज का डिस्कशन हम इस इश्यू पे करेंगे कि आइए जानते हैं करिश्मा से कि वो कौन सी खाने पीने की ऐसी चीजें या ऐसे कौन से खाने पीने की चीजों में बदलाव ला सकते हैं जिससे कोविड की वैक्सीन लेने के बाद वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सके। हर फ्राइडे की तरह आज कभी करिश्मा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ हमारे शो आस्क द एक्सपर्ट सेहत की बात करिश्मा के साथ में शामिल है। करिश्मा शाह एक हेल्थ और फिटनेस कोच है और साथ ही साथ एक वेट लॉस एक्सपर्ट भी है। हेलो करिश्मा, वेलकम टू मेडी सर्कल। हेलो, थैंक यू स्मिता। सो आज के दिन में हमने ये जो टॉपिक निकाला है, बहुत सारे लोग चूंकि कोविड इज नॉट ओवर एंड पीपल आर गोइंग फॉर वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन और खान पान यानी डाइट का क्या रिलेशन है ये काइंडली एक्सप्लेन करें। वैक्सीनेशन अब सेकंड बजवर्ड हो गया। पहले इम्यूनिटी था, अब वैक्सीनेशन हो गया है। एंड शॉकिंगली दे बोथ गो हैंड इन हैंड टुगेदर एक्चुअली। So there is a very strong combination of your immunity parameter with the vaccination parameter. तो अब जब पहला डोज अगर किसी ने लिया है और किसी किसी ने सेकेंड डोज भी अब वो लोग ले चुके हैं, तो वो आपको हमेशा बताएंगे कि मुझे थोड़ा सा बुखार आया था या मुझे थोड़ा वीक लग रहा था और मैं आराम कर रही थी या कर रहा था आफ्टर द फर्स्ट और द सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीनेशन। Why does this happen? It happens for a very simple reason that, for example, जब आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होनी चालू हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज एक बार क्रिएट होना चालू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थकान महसूस होगा, थोड़ी फुर्ती नहीं रहेगी इतनी सारी, और किसी किसी को बुखार भी आ सकता है। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, इट्स ओके। एक दो दिन ही रहता है, उसके बाद आप वापस यू आर बैक टू द रूटीन ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू विल बी फाइन। यू वोंट हैव एनी मेजर प्रॉब्लम्स विद इट। पर आपने पूछा था कि खान पान का इससे क्या लेना देना है। ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी वैसे ही लो है और आपने वैक्सीनेशन लिया और एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए बॉडी ने और इम्यूनिटी लो कर ली, तो फिर वेदर भी चेंज हो रहा है फिलहाल। वी हैव दिस वेरी वियर्ड वेदर फिलहाल कि बारिश, ऐसा लगता है बारिश आएगी पर आती नहीं है। तो इट्स जस्ट दिस थिंग वेयर इट्स बिकमिंग वेरी हॉट नाउ। द रेन इज नॉट कमिंग द वे दैट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड द रेन्स टू कम बाय नाउ। हम ऑलमोस्ट मिड जुलाई में है और बारिश का नामो निशान नहीं है अभी तक। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये सब हमें इन्फ्लुएंस करेंगे कि देयर विल बी सम कॉमन थिंग्स दैट वुड हैपन टू पीपल। वन ऑफ द वेरी कॉमन वंस दैट्स हैपनिंग राइट नाउ इज द सोर थ्रोट। सबको गले की खिचखिच और सोर थ्रोट बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्दी जुकाम, और फॉर वुमेन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो अगर इम्यूनिटी लो होगी, वैक्सीनेशन आप लेंगे तो थोड़े ज्यादा दिन तक टकेगी, इतना जल्दी बॉडी में से नहीं निकलेगा। फिर आपको शायद ऐसा फील होगा कि अब मुझे एंटीबायोटिक लेने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, खाने से सपोर्ट करेंगे। तो 2 दिन पहले, वैक्सीनेशन लेने के 2 दिन पहले आपको ऑब्वियसली 3 4 चीजें करनी है। अगर आप रेगुलरली ड्रिंक करते हैं तो प्लीज ड्रिंक मत कीजिएगा, नो अल्कोहल एट ऑल। विथ फूड्स ऑल्सो ज्यादा तला हुआ खाना मत खाइएगा, वेरी हैवी मील्स डोंट हैव। ओके, देन वंस यू टेकन योर वैक्सीनेशन, देन फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ एज फार एज इम्यूनिटी इज कंसर्न, कि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाएंगे। और क्यों हम एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्टिंग में दिया कि एंटीबॉडीज जब बॉडी में बढ़ने लगती है, ऑटोमेटिक बॉडी इन्फ्लेमेशन में चला जाता है, राइट? इसीलिए सडनली बुखार आ जाता है, इसीलिए सडनली सोने का मन ज्यादा करता है, बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट द एंटीबॉडीज नाउ, इज ट्राइंग टू बिल्ड दोज विद इन योर ओन बॉडी।
इसलिए एंटी इंफ्लेमेटरी खाना खाएंगे. व्हाट इज एंटी इंफ्लेमेटरी फूड? ऐसी कोई भी चीज जो खाने से बॉडी ज्यादा ब्लोटेड ना फील करे, ज्यादा पानी रिटेंशन ना करे, ज्यादा एसिडिक चीजें हम नहीं डालेंगे बॉडी में. बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जितनी एसिडिक चीजें हम बॉडी में डालेंगे उतना इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ेगा. राइट? व्हाई एम आई टेलिंग यू नो अल्कोहल ऑल्सो? बिकॉज अल्कोहल इज वेरी एसिडिक इन नेचर, सबको पता है इट्स 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 अ स्पिरिट, राइट? तो जब हम अल्कोहलिक चीजें कंज्यूम करेंगे, या हम बहुत हाई फैटी फूड कंज्यूम करेंगे, या हम बहुत ही ज्यादा फ्राइड फूड कंज्यूम करेंगे, तो ये सारे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ा देते हैं. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नो यू हैव टू टेक केयर आफ्टर टेकिंग योर कोविड वैक्सीनेशन इज दैट स्टे अवे फ्रॉम सम बेसिक थिंग्स लाइक हाई फैट फूड, जैसे चीज, बटर, मलाई, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, पकोड़ा, भजिया, ऑल दीज, वड़ा पाव, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. प्लीज डोंट ईट ऑल दीज थिंग्स. So these foods should be avoided after COVID vaccination. यस यानी ऐसे कुछ खाने की चीजें हैं जो हमें COVID vaccination के बाद बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए. यस एब्सोल्युटली. सो यू आर नॉट गोना बी ईटिंग दीज थिंग्स एट ऑल. आई जस्ट रिपीट इट. एनीथिंग हैवीली फ्राइड, नो हैवी फ्राइड फूड, नो पिज्जा पास्ता, नो वड़ा पाउस, भजिया पकोड़ा नहीं खाएंगे आप. चीज, बटर, मलाई, हैवी फुल मलाई वाला दूध, ये सब चीजें आप नहीं लेंगे आफ्टर योर कोविड वैक्सीनेशन. ओके? डाइजेशन जितना इजी रहेगा इतना बॉडी फटाफट रिकवर करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होके आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी. तो हम वही खाना खाएंगे जो डाइजेशन करने में इजी होगा. वो कौन सी चीजें हैं? मैं तीन चीजें बताऊंगी. वन इज ईट दाल खिचड़ी. ओके? प्लीज खिचड़ी खाइए. खिचड़ी में आप पालक डाल सकते हैं, आप कोई भी तरीके का सब्जी मिक्स चॉप करके डाल सकते हैं. तो प्लीज ईट सिंपल घर का बना हुआ खिचड़ी. उसमें हल्दी डालिए, हींग डालिए, अच्छे मसाले डालिए तड़का मार के थोड़ा, तो उसका टेस्ट बेटर रहेगा. सो खिचड़ी प्लीज ईट. सेकेंड थिंग इज फ्रूट्स. राइट नाउ द मार्केट हैज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स फॉर योर इम्यूनिटी. चेरीज, प्लम्स, काला जामुन, लीची, व्हाट एल्स इज अवेलेबल, दिस पपाया. राइट नाउ ऑल दीज फ्रूट्स आर करंटली अवेलेबल इन द मार्केट. वाटर चेस्टनट, ऑल दीज आर करंटली इन सीजन एंड दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. पीचेस, पीच, प्लम, ये सब अवेलेबल है. तो ये सब खाइए बिकॉज इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और अभी सीजन में भी है. तो सेकेंड इज ऑल दीज नाइस सीजनल फ्रूट्स. और थर्ड चीज मैं ये बोलूंगी कि आप रात को अगर आप सोएंगे उसके पहले आप हल्दी वाला दूध पियेंगे. और हल्दी वाले दूध में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इलायची का पाउडर डालिएगा और दूसरा जायफल का पाउडर डालिएगा, विच इज नटमेग. नटमेग हिंदी में हम इसको जायफल बोलते हैं. तो जायफल को फ्रेश ग्रेट कीजिएगा और ये पीजिएगा. अभी इसमें दो कैटेगरीज है, एक जिनको नॉर्मल दूध पसंद है और वो उनको उसको पीना चाहते हैं तो वो हल्दी वाला दूध उसमें बना सकते हैं, और दूसरे लोग जिनको दूध नहीं पीना है या वो वीगन है या वो प्लांट बेस्ड है, तो उनके लिए कोकोनट मिल्क है. कोकोनट मिल्क हम घर पे भी बना सकते हैं और बहुत इजीली कोकोनट मिल्क बाहर भी मिलता है हमें अभी, जो हम जो बहुत सेफ है कंज्यूम करने के लिए टेट्रा पैक्स में. तो हम ये कोकोनट मिल्क लेंगे और इसका हम हल्दी वाला दूध बनाएंगे रात को सोने से पहले और ये हम पियेंगे. इट विल हेल्प यू विथ योर रिकवरी ऑफ द बॉडी. सो यू विल बी बेटर, यू बी फीलिंग मच मोर बेटर. तो ये जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, यू हैव टू ईट दीज एंड ड्रिंक दीज थिंग्स पोस्ट योर कोविड वैक्सीनेशन टू रिकवर फास्टर. डेफिनेटली करिश्मा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत तरह की फूड एलर्जीज होती है, यानी तरह तरह के खान पान की चीजों से उन्हें एलर्जी होती है. उन्हें खासकर COVID-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड इफेक्ट्स या किन बातों के एहतियात या ध्यान रखना चाहिए? एलर्जीज हमें कभी होती है. सो मैंने जब भी आपको बताया अभी के सोर थ्रोट वगैरह और ये जो फ्लू के सिम्टम्स आते हैं, ये इसी ये सीजन में सबसे ज्यादा आते हैं और जब भी सीजन चेंज होगा सबसे ज्यादा आते हैं. बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स वेयर देन द एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट्स कमिंग इन. आर साइनस, आर होल टी जोन, आर थ्रोट, इट स्टार्ट्स एक्टिंग अप, यू नो. तो इसके इसके फुल रिलीफ पैकेज नहीं मिल सकता बिकॉज एवरीबडी हैज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ देयर बॉडी एंड वॉट इज इट दैट दे आर एलर्जिक टू. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू आर स्पेसिफिकली एलर्जिक टू फ्यू थिंग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल
थोड़ी चीजें हैं जो लोग बहुत इजीली एलर्जिक हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंडे, एग्स. इफ यू नो दैट यू आर एलर्जिक टू एग्स, डू नॉट कंज्यूम एग्स. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता पर वो एक्चुअली एलर्जिक होते हैं एग्स से, बिकॉज द एग हैज दिस प्रोटीन व्हिच समटाइम्स डज नॉट गेट इजीली असिमिलेटेड इन सम पीपल्स बॉडी. So you stay away from eggs, you stay away from seafood, okay? Seafood also gives people a lot of allergies. Third thing that I would like to tell everybody is that gluten. All the products which have gluten in it, jaise hamara maida ho gaya, gehun ka aata ho gaya, breads ho gaye, pav ho gaye, ye sab cheeze bhi bahut jaldi intolerances aur allergy affect karti hai. And the fourth thing would be dairy products. Nobody talks about this aur bahut sare logo ko pata bhi nahi hota, par unko lactose intolerance hota hai. जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो कोई भी मिल्क वाली प्रोडक्ट्स खाएंगे जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क, इट्स द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क. सो इफ यू कंज्यूम थिंग्स विच आर हाई इन लैक्टोज, तो आपके बॉडी में इंस्टेंटली कॉफ, कोल्ड, साइनस, फ्लू, सोर थ्रोट जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे. किसी किसी लोगों को तो स्किन के ऊपर रैशेज भी बहुत ईजिली हो जाते हैं. तो इफ दीज आर द कंडीशंस दैट यू यूजुअली फेस, then eliminating these four categories of food from your daily food will help you better, will help you gain more, relief from your symptoms of allergy. कोविड से बहुत लोग रिकवर हो रहे होते हैं या कोविड के बाद भी 3 महीने तक, क्योंकि वो नेक्स्ट वैक्सीनेशन नहीं लेते हो ले पाते हैं और उन्हें 3 महीने तक वेट करना होता है. इस दौरान उन्हें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे वो हेल्दी भी फील करें और साथ ही साथ नए वैक्सीनेशन के जो उन्हें डोजेस देने हैं उनके लिए उनकी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो सके? Yes, I would say there are, so right now, I would like to specifically talk about the season right now, and pertaining to that, I'd like to tell people ki agar aapko COVID ho chuka hai aur abhi ki season mein agar aapko recover karna hai, so there are some things which you need to eat. See, I won't tell you to eat well, lot of green vegetables, kyunki filhal achhe green vegetables nahi milenge aapko ye season mein, okay? So aapko kya khana hai? Aapko bahut sara beans aur pulses khana hai. अलग अलग टाइप के बीन्स भिगोइए रोज रात को, दूसरे दिन सुबह को बनाइए. छोले, राजमा, तुअर की दाल, अड़द की दाल, मसूर की दाल, कुलिच की दाल, मटकी, चौली, ये बस थोड़े नाम मैंने लिए हैं पर बहुत सारी चीजें, मूंग, अखा मूंग, छिलका वाला मूंग, पीला वाला मूंग, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास. तो ये सीजन है बीन्स और पल्सेस ज्यादा खाने का, क्योंकि हरी सब्जियां ये मौसम में बहुत कम हो जाती है. तो बीन्स, पल्सेस, स्प्राउट्स बना के खाइए. ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए ये सबके स्प्राउट्स बन सकते हैं. वेरी इजी टू मेक स्प्राउट्स. आप एक रात को भिगोइए, दूसरे दिन को एक कपड़े में एक चीज, ये सारे बीन्स जो है कपड़े में बांध दीजिए, एंड यू लीव इट इन अ प्लेस वे सबसे ज्यादा मॉइस्चर होगा या सनलाइट अगर आती है, ऑटोमेटिकली इन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स यू विल सी स्प्राउट्स फ्रॉम इट. फिर उसको आप बॉइल कीजिए, उसका चाट बनाइए, भेल बनाइए स्प्राउट्स का और खाइए. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ओवरऑल, राइट? So this is one thing that I would like to tell everybody कि ये season है इसका खाने का, तो इसका फायदा उठाइए और अपनी immunity इससे ज्यादा बढ़ेगी फिर. बिल्कुल करिश्मा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लेने से डरते हैं. उन्हें लगता है वैक्सीन लेने के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कि कुछ एक या दो केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं जो वैक्सीनेशन लेने के बाद लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन ये जनरली कभी भी डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं हो रही है कि वैक्सीनेशन का इफेक्ट है. बट ओवरऑल बहुत सारे लोग अभी भी रिलेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन डिले कर सकते हैं. मेंटली उनको स्ट्रांग करने के लिए या मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे भी ये काफी ग्लूमी सीजन है, बहुत सारे लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइजेस है, बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज अभी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है. कई जगह अभी भी लॉकडाउन है, तो पूरी तरह से सिचुएशन इज नॉट येट बैक टू नॉर्मल. हेंस देयर इज अ टेंशन, देयर इज अ मेंटल टेंशन इन लॉट ऑफ पीपल. तो मेंटली अपने को, जैसे आपने बताया, फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए आपने बहुत सारे चीजें बताई. क्या ऐसा कुछ हो सकता है खान पान जो हमारे मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट कर सके? खाने में मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से समथिंग दैट अगर हमें अपना मानसिक संतुलन एक तरीके का रखना है और अगर हमें स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आपा नहीं खोना है अपना, देन आई वुड रियली रियली रेकमेंड टू थिंग्स टू पीपल, ओके? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल वेलनेस ऑल्सो. इट्स अ पार्ट ऑफ आई ऑल्सो बिलीव नाउ दैट न्यूट्रिशन इज नॉट समथिंग दैट यू ओनली ईट. Every single thing that you do in your life and which touches your soul, which touches your body, which touches your environment becomes a part of your nutrition, right? सबसे पहली बात तो प्लीज मेडिटेशन करना चालू कीजिए, ओके?
बहुत बहुत फायदे होते हैं मेडिटेशन के. एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट यू नो मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि आपको एक जगह पे ऐसे ही खाली बैठे रहना है आग बंद करके जबरदस्ती. ओके यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, इंटरप्ट करना चाहूंगी करिश्मा. बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एक जगह आंख बंद करने से उन्हें कभी अच्छे ख्याल नहीं आते, या वो मेडिटेट कर ही नहीं पाते. आंखें बंद करके रखने से उनका ध्यान और ज्यादा फोकस होने के बजाय, मेडिटेट करने के बजाय और ज्यादा सोच रहा होता है और मल्टीपल थॉट्स आ रहे होते हैं. किस तरह से वो लोग मेडिटेट करें जिन्हें आंख बंद करने के बाद मेडिटेशन में प्रॉब्लम्स है. यस बट दिस इज स्मिता, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ इट. जब मैं अभी ना इलेबरेट कर रही थी ना, तो अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट निकाला. यही मैं बोल रही थी आपको कि कोई कोई लोगों को इतनी तकलीफ होती है अपने आप बैठ के 10-15 मिनट इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए. राइट, आपने सेम चीज अभी पूछी मुझको. तो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ मेडिटेशन. हमें आंख बंद करके भगवान को नहीं याद करना है. अगर वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है. पर द मेन इंटेंशन ऑफ मेडिटेशन इज टू बी एबल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, टू बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट अपने साथ, अपने ही दिमाग के साथ, अपनी ही बॉडी के साथ, अपने ही सोल के साथ थोड़ा वक्त अगर हम बिताना चालू करें, वो कामनेस आने लगती है. So the very common thing is that your thoughts will keep coming into your mind. You know, let's say for example, if I wanted to sit and meditate right now, ये आगे की जो शाम है, मुझे जो चीजें जो शाम को अभी खत्म करनी है मेरी, काम के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, वॉट एवर, मेरे घर के रिलेटेड, राइट, वो सारी चीजें धीरे धीरे मेरे माइंड में प्ले करने लगेगी अगर मैं अभी यही वक्त पे बैठ के अगर मैं मेडिटेट करने लगू. दैट इज द पॉइंट. द ट्रिक इज यू से ओके टू दोज थॉट्स. इफ यू आर सिटिंग इन अ पोजिशन एंड दोज थॉट्स आर कमिंग टू यू, यू से ओके. If you try to fight those thoughts or if you try to be in a position where ye nahi sochna hai, ye nahi sochna hai, ye nahi sochna hai, wo nahi sochna hai, you miss the point of meditation. So sit with yourself and say okay to all your thoughts. Mujhe abhi mera kaam baki hai, okay. Mujhe bachcho ko khilana hai, okay. Mujhe mere husband aayenge ghar pe, mujhe ye kaam khatam karna hai, okay. Anything and everything that comes to your mind at that point, you have to learn to say okay to it. जब आप अंदर से ऑटोमेटिक ये सारी थॉट्स को ओके बोलने लगेंगे, आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे ये थॉट चले जाते हैं. एंड विद इन 10 मिनट्स इफ यू कंटिन्यू टू डू दिस, यू विल रीच अ स्टेट वेयर यू विल नोटिस दैट देयर इज अ पीरियड वेयर योर माइंड इज ब्लैंक. वी नीड टू रीच दिस थीटा स्टेज ऑफ बीइंग ब्लैंक. ये इसमें पावर है, इसमें मैजिक है. कई लोगों को इस पावर से डर लगता है, कई लोगों को ये जो ब्लैंक स्टेज ऑफ माइंड है ना, काफी नर्वस नर्वस कर देता है, और ये बहुत बड़ा रीजन होता है उनका मेडिटेट नहीं करने का. सो आई थिंक दे नीड टू ओवरपावर दिस एंड नीड टू रीच द स्टेज वेयर देयर इज अ सेल्फ कनेक्ट बिटवीन देम एंड देयर सोल. द सेम थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ राइट नाउ, ये जो ब्लैंक स्टेट के यू नो पहुंचने में जिन लोगों को डर लगता है और दे फील कि यू नो हमसे नहीं हैंडल हो पाएगा, वहां पहुंचेंगे, उसको सर्वाइव करेंगे, तब मैजिक होगा. दैट्स व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग. स्मिता, द ओनली टाइम व्हेन आवर ब्रेन विल नॉट वर्क इज व्हेन वी डाई. मेडिटेशन इज नॉट अबाउट नॉट मेकिंग योर ब्रेन वर्क. जब आप खुदा ना खास्ता मर गए, तब जाके आपका दिमाग बंद होगा. उसके पहले उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है. हमें चलाना मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि मेडिटेट करने का मतलब है नो एक्टिविटीज फ्रॉम द ब्रेन ऑल्सो. जैसे आप एक जगह बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, ब्रेन भी कुछ आगे काम नहीं करेगा. द आइडिया इज टू कीप द एक्टिविटी गोइंग एंड टू ट्रांसफॉर्म दिस एक्टिविटी फ्रॉम आर आउटर वर्ल्ड. हम कॉन्स्टेंटली आउटर वर्ल्ड में ही तो रह रहे हैं. एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ इज आर आउटर वर्ल्ड. एवरीथिंग, सुबह को टाइम पे उठने से लेके हर एक क्रिया, जो हम इसको क्रिया बोलते हैं, हर एक क्रिया जो हम करते हैं, वो सारी क्रिया बाहर की दुनिया में करते हैं. वो 10 मिनट जो मैं अभी बता रही हूँ, जो करना बहुत जरूरी है, मेडिटेट, अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है, इज द ओनली टाइम व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट इनसाइड. दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू विल गो इनसाइड योर इनर वर्ल्ड. एंड एवरी सिंगल डे फॉर 10 to 15 मिनट्स इज मैंडेटरी टू गो इनसाइड योर इनर वर्ल्ड. अपने आप को नहीं जानेंगे तो फिर किसे जानेंगे, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटी सी एक एक्सरसाइज सब लोग चालू करें, राइट? जो खाने में जो पावर है, मेडिटेशन में भी वही पावर है. तो एक बार ट्राई करे, अपने थॉट्स के साथ बैठे, डरने की कोई बात नहीं है, अपने ही थॉट्स है, उसको ओके बोलना है हमें.
ये जो स्ट्रेंथ हम बिल्ड कर रहे हैं उसी के लिए हम स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं कि जब अपना इनर वर्ल्ड स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ऑटोमेटिकली आउटर वर्ल्ड भी अच्छा बनने लगता है, स्ट्रॉन्गर बनने लगता है, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सो आई थिंक अपने पे भरोसा होने लगता है, अपनी खूबियां खुद को ही दिखने लगती है और साथ ही साथ अपनी कमियां भी दिखने लगती हैं. और जब अपनी कमियां दिखने लगती हैं तो लोग उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट रादर देन बिफोर समबडी पिन पॉइंट्स टू यू. सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव 10 टू 15 मिनट चैट विद योर ओन सोल, विद योर ओन बॉडी, सो दैट यू कम अफ्रेश और यू विल फील दैट यू आर अ न्यू पर्सन आफ्टर द मेडिटेशन. Absolutely. And you'll be much more calmer and cooler. आप किसी के बातों से जल्दी नाराज नहीं होंगे, आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी, फिर भी आप उनका डट के सामना कर सकते हैं अगर आपका दिमाग और आपकी जो भी सोल है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है. सो थैंक यू सो मच करिश्मा, आपने खान पान के साथ मेडिटेशन जो आज के दिन में मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सजेस्ट किया. उसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों में के बीच फेस करने को मिलता है दैट दे आर नॉट एबल टू मेडिटेट. So how to overcome, I think Karishma ने भी बहुत beautifully उसे explain किया कि किस तरह से आप सब thoughts को okay बोले and reach to a point where definitely the mind is blank and definitely reach that point और डरने की बिल्कुल ही बात नहीं, आप बिल्कुल ही अच्छे से meditate कर पाएंगे. So thank you so much Karishma, it was really really wonderful this session. I hope the audience also liked it. अगर इस तरह के videos आपको पसंद है तो kindly हमें team at MediCircle पे या हमारे Facebook के MediCircle page पे comment करें और इसे ज्यादा से ज्यादा share करें. Thank you once again. Thank you.